हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिक तक। देख सकते हैं अभी हमारे पास जुपिटर 125 BS6 न्यू मॉडल है, जिसका अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, MC किट फेल बता रहा है, पूरा ब्रेक नहीं लग रहा है, पूरा क्या ब्रेक एकदम फेल बता रहे है इसका। और आगे इसका डिस आता है बता रहा है। अभी हम लोग इसको खोलना स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसमें बताते हैं कि कैसे क्या क्या खोला जाता है, क्योंकि इसका ये खोलना भी बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है, बहुत मैकेनिक लोगों को भी मालूम नहीं रहता है ये खोलने का, इसका हेडलाइट। तो अभी हम लोग खोलते हैं इसको और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे खोला जाता है और इसका प्रॉब्लम क्या आता है। अभी देख सकते हैं इसको निकालने के लिए ना कोई स्क्रू रहता है ना ही बोल्ट रहता है, इसको निकालते कैसे हैं, सिंपल है निकालना, ऊपर के साइड पे पुल करेंगे निकल जाएगा ये, क्योंकि इसमें हैवी लॉक रहता है। तो ये निकल गया। अभी इसके नीचे जो क्रोम वाला आइटम है उसको निकालेंगे। इसमें दो स्क्रू रहता है, वो सामने के साइड से रहता है दोनों स्क्रू, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, वो भी सेम ऐसे ही लॉक रहता है, बट इसमें स्क्रू लगा रहता है। अभी स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसको हम लोग निकाल लेंगे, ऊपर के साइड इसको भी पुल करेंगे निकल जाएगा। देखिए कुछ ऐसा, ये भी निकल गया। अब इसके बाद हेडलाइट खुलने वाला है। अभी देख सकते हैं हम लोग उसको खोल लिए हैं और ये वाइट वाइट जो भी निकल रहा है वाइट रस्ट है, जो पकड़ा हुआ है MC किट को जाम करके रखा हुआ है, इसी की वजह से ब्रेक नहीं लग रहा था, क्योंकि MC किट बाहर नहीं आ रहा था, वो अंदर के साइड ही जाम हो गया था। ये जितना भी वाइट वाइट निकल रहा है वो वाइट रस्ट है। तो इसको हम लोग अच्छे से पूरा क्लीन कर लेंगे, फिर उसके बाद नया इसको निकाल करके नया MC किट इसके जगह पर डालेंगे तो हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम जो भी है वो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अभी देख सकते हैं इसमें लॉक आता है, वो लॉक भी जाम हो चुका है पूरा रस्ट की वजह से, तो इसी लॉक पकड़ से ये निकलने वाला नहीं था। तो हम लोग ये देखिए पतला सा रॉड लिए हैं लोखन का, उससे हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए कुछ ऐसा लॉक है, पूरा रस्ट पकड़ लिया था इस पर, ये भी जाम हो चुका था उसमें, तो ये निकल गया। अब इसके बाद MC किट को निकालेंगे हम लोग, उसका भी कंडीशन पूरा ख़त्म है, उसके जगह पर नया MC किट डालेंगे। निकालते हैं फटाफट से हम लोग इसको। MC किट भी इसमें पूरा जाम हुआ पड़ा है, जैसे देख सकते हैं पकड़ से खींचने के बाद भी नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है कि उधर पीछे के साइड खोल ले फिर उसको ठोक के निकाले।
अभी देख सकते हैं हम लोग पूरा अच्छे से इसको क्लीन कर दिए हैं। अभी एमसी किट डालते हैं। ये देखिए टीवीएस का ओरिजिनल एमसी किट, जिसे मास्टर सिलेंडर भी बोला जाता है। इसका एमआरपी देख सकते हैं उधर पे 448 एमआरपी है इसका। अभी इसको हम लोग डालेंगे उसके जगह पे जो निकाला गया एमसी किट। अभी देखिए ये ग्रीस तो इसमें आता नहीं है, टीवीएस में नहीं आता है ये ग्रीस। बजाज का एमसी किट, जैसे पल्सर वल्सर का एमसी किट लेंगे उसमें मिलता है ये ग्रीस। तो इसके हम लोग रबड़ वाले पार्ट पे ग्रीस लगा लेते हैं। ग्रीस लगाने से फ़ायदा ये रहता है कि कभी कभी क्या ग्रीस नहीं लगाएंगे, कभी कभी अंदर डालने में तकलीफ होता है, फिटिंग बरोबर नहीं आता है। इसके वजह से ग्रीस हम लोग लगा लेंगे तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। जैसे कि देख सकते हैं उंगली से ही डालने में चले जा रहे हैं अंदर। अभी हम लोग इसका लॉक लगा करके इसको पूरा फिक्स कर देते हैं। गाड़ी फुल फिट हो चुकी है, अब सिर्फ मिरर लगाना है। मिरर लगा करके गाड़ी को चला करके देख लेंगे हम लोग और आप लोगों को दिखाते हैं।